साथ आ जाइए, आप लोग सारे मीडिया एक साथ आ जाइए, अलग अलग से लीजिएगा तो शायद सबका बराबर ना। अरे मजर मजर मेजर खाली हम खड़ा रही कुछ कुछ बोल लो हीरो क्या मतलब फिल्म में मैं हूँ तो हीरो ही रहूँगा। हाँ ये सिनेमा का नाम है सनब बिहार और हमारे इनके साथ मेरी ये तीसरी मूवी है। एक हमने हथकड़ी किया था मैं और दिनेश भैया इंतकाम किया था हम और मेरा हस्बैंड पिक्चर सुपर डुपर हिट ये हैट्रिक के चक्कर में हैट्रिक मारेंगे इस बार। ये तीसरी मूवी है इनके साथ मेरा और ऐसा नहीं विश्वास है कि इस सिनेमा को भी खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। और हमारे प्रोड्यूसर साहब किधर है? ये रहे कैप्टन साहब, इनका एक चैनल भी है कैप्टन ऋषि मूवी भोजपुरी की चैनल भी तो। और हमारी मनी भट्टाचार्य जी के साथ मेरी दूसरी मूवी है, दूसरी तो इनके साथ मेरी दूसरी, इनका शुरुआत मेरे साथ ही हुआ था जिला चंपारण में। इसमें एक पहली बार मुझे लगता है भोजपुरी में ओके पहली बार बन रहा है ना पहली बार शायद पहली बार हीरो पहली बार कोई मैं इसमें वकील के किरदार में हूँ कि सिर्फ हम हीरो किसी को मार के हीरो नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि हर मुद्दे की लड़ाई होती है और जो हर मुद्दे पे बात करता है वही दुनिया का हीरो होता है। जिस तरह एक राम का चरित्र पूरी दुनिया ने उनको भगवान मान लिया तो इसलिए क्योंकि हर किरदार में वो माँ की भी बात को माने, समाज को भी एक मोहब्बत की प्रकाष्ठा जो होती है उसको भी लेकर चले, उनका विचारधारा ही एक कुशलपूर्वक था इसलिए पूरी हिंदुस्तान ने उनको हीरो मान लिया और भगवान के रूप में देखा। तो एक हीरो का दायित्व जो बनता है हर क्षेत्र में उसको अपने आप को साबित करना होता है चाहे वो जिस विधा में हो। कहानी वही होती है बस करेक्टर चेंज हो जाता है, हम करेक्टर प्ले कैसे करते हैं और हम अपने आप को साबित कैसे करते हैं। तो कोशिश हमारी रहती है कि कुछ यूनिक चीज़ों को लेकर आदमी काम करे। और हमारे राइटर गिरी ठाकुर जी, हमारे कैमरामैन प्रिंस भैया, हमारे मास्टर जी हमारे उनको तो आप लोग जानते ही, बहुत अच्छे इंसान हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं और दोनों एक साथ नहीं मिलता है इस धरती पर। कोई एक्टर अच्छा होता है तो इंसान बुरा होता है और इंसान अच्छा होता है तो एक्टर अच्छा नहीं होता और दोनों चीज़ें एक साथ उनके साथ हैं हमारे याज खान जी के साथ। और मैंने कम से कम 15-20 मूवी भाई के साथ किया है और सब अच्छा मूवी किया है तो सबके लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और इस सिनेमा का नाम है सनफ बिहार, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ का बेटा हूँ, जिस धरती ने मुझे पैदा किया, जिस धरती ने मुझे बड़ा किया, जिस धरती ने मुझे पहचान, जिस भाषा ने मुझे आज इस लेवल पे खड़ा कर दिया कि मैं आप सबके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी भाषा का नहीं। आगे कोई सवाल? सर सनफ बिहार मैं नहीं, सनफ बिहार एक कहानी, बिहार की समस्या, बिहार की जो प्रेरणा है वो है सनफ बिहार का मतलब बिहार में मैं भी और बिहार में बहुत सारे लोग। तो मैं एक तो बिहार का नागरिक हूँ, एक भाषा का बेटा हूँ और इस भाषा को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं अपने सिनेमा के द्वारा कि हमारी समस्या भी है, उस समस्या से कैसे निकलना है वही है सनफ बिहार। क्योंकि बिहार में बहुत सारी कीर्तिमान है जो कि लोगों तक पता नहीं है, सिर्फ किताबों में है, लेकिन हमें जागरूक करना है उसे ताकि दुनिया को बताएं कि हम ऐतिहासिक धरती के पुत्र हैं। तो कोशिश हमारी यही है और इसीलिए हमने इस सिनेमा का नाम सनफ बिहार रखा। क्या खास तैयारी की है फर्स्ट टाइम आप वकील के रोल में? देखिए करेक्टर के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है, आप अनुभव कर लो हर चीज़ तैयार हो जाती है। और एक करेक्टर जो होता है तो वो कहीं ना कहीं आप महसूस करते हैं, जैसे हम रिलेशन के लिए कुछ तैयारी नहीं करते, वो हमें महसूस करा देता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरे फूफा है, ये मेरे बुआ है। तो करेक्टर जो होता है कि हीरो का हो चाहे किसी भी चीज़ के, उसके लिए तैयारी नहीं होती है, रिलेशन के लिए तैयारी नहीं होती है, किसी कहानी को बड़ा करने के लिए सीक्वेंस बन सकते हैं, परफॉर्म के लिए तैयारी नहीं की जाती है। आप महसूस कर लीजिए, आप अपने आप उसको परफॉर्म कर जाओ। मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ
बाकी लोग क्या करते हैं, क्या तैयारी करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन में तैयारी कुछ नहीं करता, सिर्फ करता हूँ। तैयारी करके करना तो मुझे लगता है कि वो टारगेट हो गया, बट नहीं, मैं करते जाता हूँ और अपने आप मेरा टारगेट बनते जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन एक नया रास्ता बनाऊँ और उस रास्ते पर पूरी दुनिया चले, उस रास्ते पर भी 10-20 गाड़ियाँ चलें, लोग अपनी मंजिल उस रास्ते पर चल के पाए। सबसे पहले वीरू ठाकुर जी ने जब मुझे कहानी सुनाई, सब अभी कहानी सुनने के बाद मैं इस कहानी से इतना प्रभावित हो गया, मुझे जहन में सिर्फ एक ही हीरो दिखते थे, खेसारी जी। मैं बोला खेसारी जी में ही ये रोल शूट करता है, इतफाक से मैं भी बिहार कराने वाला हूँ, आरा का हूँ, और एक इस कहानी में एकदम परफेक्ट खेसारी जी बैठे हैं और ये मेरे साथ है। इनकी बात कराइएगा, जो बात सही है आजकल, जो देखिए जो बात सही है, जो कहानी पढ़ने के बाद सुनने के बाद मुझे लगा, तो मैंने प्रोड्यूसर अमित जी को अप्रोच किया, अमित गुप्ता जी रेडी हो गए बनाने के लिए, मैंने खेसारी जी को लेके फिल्म करते हैं हम लोग हैं, ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट है और एकदम सटीक बैठता है। और डेट कैसा मिला खेसारी जी का, आपको डेट कैसा दिया सर? 16 से शूट चल रहा है, डेट तो 16 तारीख से मैं शूट करने वाला था 14 के बाद, और की समस्याएं ऐसी हुई कि मैं सॉरी मांगता हूँ अपने प्रोड्यूसर साहब से भी और डायरेक्टर साहब से, क्योंकि मैं बिहार गया था, कुछ परेशानियां थी, क्योंकि मैं अलग एक धारा में चलता हूँ जीवन में, तो मेरे पे एक चेक बाउंस का केस था, तो उसका बेल कराना मुझे, और मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अपने पावर से लोग अब बेल ले लेते हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं, समाज में हर चीज़ बना है तो उसका नियम का पालन जब हम ही नहीं करेंगे तो ये समाज कैसे करेगा। तो मैं उसके बेल के लिए गया था और थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हुई, फिर मेरा एक घटना हो गया नेपाल में, मेरी 4 गाड़ियाँ जल गई एक शो के दौरान, तो थोड़ा उसमें परेशान हो गया मैं, और थोड़ा सा 4-5 दिन सर को मैं बोला कि सर थोड़ा सा है, थोड़ी अलग स्थिति थी, सो नहीं पा रहा था मैं, घबराहट बहुत हो रही थी, मेरे सामने गाड़ियाँ मेरी जली थी, मेरे बच्चों को थोड़ा सा चोट भी लगा था, तो कहीं ना कहीं वो होता है आदमी, मैं भी इंसान ही हूँ, पत्थर तो हूँ नहीं कि मुझे महसूस नहीं होगा, तो एक इंसान के तौर पर मुझे थोड़ा सा परेशानी और घबराहट हो रही थी, तो 10 दिन से मैं बहुत परेशान था, तो फिर सर को मैं बोला कि सर मैं आज फाइनली आ रहा हूँ, तो मैं कल ही आया बिहार से, आज शुरू कर दिया, कल ही आया और आज शुरू कर दिया। उस कोर्ट और इस कोर्ट में क्या फर्क है सर? उस कोर्ट में मुजरिम मैं था और इस कोर्ट में वकील मैं हूँ। नेपाल का जो घटना हुआ था ना, तो दिनेश जी आपको बहुत ये किया, दिनेश जी से मैं बात भी किया था, दिनेश जी आपका सपोर्ट में आए थे एकदम से, और बोले कि उनके साथ जो ये हुआ, तो उसके बाद आपका एक रिएक्शन जानना चाहता था हम लोग सर। जब अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था तो पूरी देश अभिनंदन के साथ थी, लेकिन मेरे साथ जब घटना हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक आदमी खड़ा नहीं। हो सकता है जो लोग प्रोफेशनली मुझे दुश्मन तो मानते ही हैं, अपने पर्सनल लेवल पे भी लोग मुझे दुश्मन मानते हैं, अब क्या मानते हैं मुझे पता नहीं। कुछ लोग ने मुझे कॉल किया था, जैसे दिनेश भैया का पहला कॉल आया था, इस घटना के बाद जब उनको पता चली, तो 3 बजे सुबह में जब मैं नेपाल से लौट रहा था, 12-1 बजे मैं लौटा वहाँ से, जैसे इंडिया में इन किया, तो दिनेश भैया का 3 बजे सुबह में कॉल आया मुझे कि बाबू कैसे हो, ठीक तो होना, आपको कुछ नहीं हुआ ना? हम दिनेश भैया में कुछ इंडिया वापस लौट गया। फिर सुबह में अमरपाली जी का कॉल आया था, प्रदीप जी का फ़ोन आया था मुझे, प्रदीप सिंह जी का, रत्नाकर जी का फ़ोन आया था मुझे। इसके अलावा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ मैं काम किया हूँ, उन लोगों ने, एक दो लोगों ने किया था मुझे, बट उसके बाद किसी हीरो हीरोइन का कॉल, अक्षरा जी का मैसेज आया था मुझे, अक्षरा, फिर ये मेरे आने से 2 दिन पहले घटना के 2 दिन बाद इन्होंने किया था। एक हफ्ता पहले घटना के, एक हफ्ता पहले किए थे, घटना के एक हफ्ता बाद, पूमा में थे, पूमा में थे बेचारे, क्योंकि घटना में खुद ही सदमे में थे, स्टेज पे ही के ऊपर लाठी चली गई, हमारा दिमाग खराब कर रहे थे। मैं था क्या जी, हाँ बोलना चाहूँगा, खेसारी जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, सबसे पहले मैंने हथकड़ी की थी, हथकड़ी जो फिल्म की थी, दिनेश जी थे या खेसारी जी थे, वो फिल्म अपने आप में सुपर डुपर एक एक इतिहास, उसके बाद इंतकाम की थी, तो भगवान के पास से मेरी इनके साथ जोड़ी ऐसी है, अगर हम काम करते हैं तो पिक्चर सुपर डुपर भगवान खरीदते हैं, और ऐसा ये काम करते हैं। मैं पुरुषों को आपसे बोला था कि देखिए, एक बार खेसारी जी काम शुरू कर दिए, सेट आ रहे ना, तो काम के प्रति वो आदमी, सर हम लोग इसीलिए 11 बजे का टाइम दिया, वस्त्रकर सर 11 बजे से पहले आया, क्योंकि विशाली जी का टाइमिंग तो परफेक्ट रहता है।
पहली बार मैंने 9:09 में आया, मैं 9 मिनट लिए था। खेसारी जी आप सोते कब हो? कल मैंने शाम का आपका फोटो वगैरह था का, और आप सोते कब हो? सबसे दर्शक यही जानना चाहिए, अगर हम सोते तो शायद इस जगह पे नहीं होते इंसान, अगर हम सोते तो इस जगह पे नहीं होते। तो अगर आप सोइएगा तो आपके लिए दुनिया क्यों जगेगी? देखिए जागरूकता लाने के लिए और लोगों को जगाने के लिए आपको सोना नहीं, आपको जागना पड़ेगा। जब आप सोते आप अच्छा काम नहीं करते हो तो आपका बाप आपका माँ आपकी परिवार आपसे पीछे हो जाती है, कह रहे यार कुछ करता ही नहीं है, तो आप पे रिस्क नहीं लेती। तो जब आपकी जनता जान जाएगी कि ये तो सोता रहता है यार, ये तो ख़त्म आदमी है, तो फिर हमारे लिए हमारी जनता मेहनत क्यों करेगी? हमें सोने के लिए नहीं, हमें जगने के लिए पैदा किया गया है। और हम एक परिवार के नहीं, हम पूरे समाज के हैं। और जब आप समाज के हो जाते हैं तो आपके ऊपर सिर्फ आपके बीवी के आपके बच्चों का आपके ही माँ बाप का दायित्व नहीं बनता है, आपको पूरे समाज को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक बन चुके हो। पहले किसी के बेटा थे आप, वो 20 वर्ष पहले की बात है, मैं किसी एक का बेटा था, मैं किसी एक का पति था, लेकिन आज मैं कितने का भाई हूँ, कितने का बेटा हूँ, कितनों के दिल का राजा हूँ, पति नहीं बोल सकता, लेकिन कितने लड़कियों के दिल पे तो मैं राज करता ही हूँ ना। मैं लड़कियाँ तो चाहती है ना कि ये मेरा हो, बाप चाहता है ना कि मेरा बेटा हो, माँ चाहती है ना, बहन चाहती है ना कि मेरा भाई। तो जब आप समाज के हो जाते हैं और जब आप पे समाज की नज़र पड़ जाती है ना, समझ लीजिए कि लाइक दिस आई एम ट्रेन, हर आदमी सफ़र करना चाहता है कि सारी ऊपर चढ़ तो वो जरूरी है। आप बिहार के सोनक तो बिहारी समझो, और उत्तर प्रदेश का भी आप मतलब पूरे इंडिया में आपका एक बहुत अलग सा ये है जनोल्लास है, लेकिन जो बिहार में जो छात्राओं के ऊपर जो घटना हो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है? सर सबसे पहले मैंने ही बोला है, भोजपुरी का एक भी एक्टर और एक भी नेता कोई स्टेटमेंट उन छात्रों के लिए नहीं दिया, मैंने दिया है, क्योंकि मैं नेता नहीं, मैं अभिनेता नहीं, ना मैं नेता हूँ ना मैं अभिनेता हूँ, मैं एक बेटा हूँ, इसीलिए मुझे लगा मैं एक भाई हूँ, इसीलिए मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए। मुझे राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं, प्रचार करना अलग मुद्दा हो गया कि मैं किसी के लिए जाकर बोल देता हूँ, किसी का प्रचार कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जनता मोहब्बत करती है तो शायद मेरी बात मान जाएगी, इस आशाओं में कोई मुझे बुलाता है और जो अच्छा होता है उसके लिए मैं करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ट्वीट मेरा ही आया था, अभी तक किसी भी आर्टिस्ट का ट्वीट उन छात्रों के लिए नहीं आया। हम हो सकता है कि समाज के मनोरंजन के भविष्य हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए उन शिक्षित लोगों की ज़रूरत है, शिक्षित लोगों का रहना बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है हमारी, क्योंकि वो पढ़े हैं इसलिए क्योंकि देश का रक्षा कर सकें और देश को के उन्नति में उनका सबसे ज़्यादा योगदान है और आगे भी रहेगा। और जब ये बताइए कि देश की उन्नति के लिए हमारे आर्टिस्ट हमारे हीरो हमारे हीरोइन हमारे नेता अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सर कौन उठाएगा? वही छात्र जिसको चाहते हैं उसको बड़ा कर देते हैं, उनका आंदोलन आज कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अगर हर आदमी उनके आंदोलन में खड़ा होता तो सरकार उनकी बातों को शायद जल्दी मान लेती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर इंसान खड़ा होता है और उसी को टारगेट बनाकर दुनिया उसको बेइज्जत करती है। खेसारी जी कल एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, बीता जी से मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा भावुक होकर गले लगा के रोने लगे थे। मैं जब भी अपने पापा से चाहे मम्मी से मिलता हूँ तो रोता हूँ, क्योंकि मैं उनकी गोद में खेला हूँ और आज उनकी गोद से दूर हूँ, तो जब भी पापा से मिलता हूँ तो वो मुझे, मैं अपने पापा को आज की डेट में बाप मानता ही नहीं, मैं उनको अपना दोस्त मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन की हर वो दुख को मैं पापा से ही शेयर करूँगा और अपनी मोहब्बत भी शेयर करता हूँ। मेरी कभी कभी पत्नी भी बोल देती है तो अंदर की भी बातें पापा से शेयर कर लेता हूँ कि उसने ऐसे बोल दिया पापा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक मैं पिता बन के मैं उनकी 10 वर्ष ज़िंदगी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन एक दोस्त बन के शायद मैं उनको और ज़्यादा दिन तक अपने दिल में रख सकता हूँ और उनको ऊर्जा दे सकता हूँ, क्योंकि दोस्त हमेशा एक दूसरे के काम आते हैं। और माँ पिता का मैं हर इंसान से ही बोलूँगा कि जब आपके माँ पिता बुज़ुर्ग हो जाएँ तो उनको फादर का दर्जा मत दीजिए, उनको दोस्त का दर्जा दे दीजिए, ताकि आपके हर दुख सुख में वो साथ रहें और आप उनसे शेयर भी कर सके और उनका अनुभव आपको हमेशा प्राप्त हो सके। मैं पिछले दिनों बिहार गया था, पिताजी का आपका इंटरव्यू लिया था, तो पिछले दिनों की कहानी बताते जब खेसारी लाल यादव जी का कोई नाम नहीं था, कितना स्ट्रगल किए, कैसे हरे राम गा रहे थे, उस समय के खेसारी जी और आज के खेसारी जी में क्या फर्क है? होता क्या, ड्राइवर तो मैं उस समय भी था, बस अब तो उस समय मैं
एक साइकिल का ड्राइवर था, आज मैं फॉर्चुनर का ड्राइवर, आज मैं BMW का ड्राइवर। तो आपके पोजीशन चेंज होते हैं, सीट चेंज हो जाती है, इंसान नहीं बदलता है, उसके कद बड़े हो जाते हैं, पद बड़े हो जाते हैं। उस समय भी मैं कपड़ा पहनता था, आज भी पहनता हूँ। उस समय थोड़ा दर्जी का सिया हुआ पहनता था, आज खरीद के पहनता हूँ। पहले दर्जी एक टेलर सीता था तो हर सातों भाइयों का एक ही कलर का कपड़ा से खरीदाता था हम सबका। लेकिन आज यही होता है, देखिए शरीर लाल मॉल में जाता है तो ब्रांड पहनता है। तो फर्क देखिए शरीर में और नेचर में नहीं होती है, फर्क इंसान के सोच में होती है। हमारी सोच बड़ी हुई तो हम आज यहाँ तक पहुँचे, हम मेहनत ज़्यादा किए तो यहाँ तक पहुँचे। और कोई भी दुनिया का आदमी जब मेहनत करता है तो कोई भी काम, खेसारी लाल बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपके अंदर मोहब्बत है तो आप खेसारी को पा लीजिए। किसी का आदमी के लिए भगवान को पाना बहुत कठिन काम नहीं है, बशर्ते उसके लिए आपको वो श्रद्धा प्राप्त करना पड़ेगा। वो श्रद्धा आपको उस मंदिर में जाकर बोलनी पड़ेगी, वो श्रद्धा से वो फूल दिखना चाहिए भगवान को भी। इस दुनिया में कोई स्ट्रगल नहीं करता है, सर्व स्ट्रगल नहीं फाइल है आपकी। जिस दिन भगवान के पास पहुंच जाएगी आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ, और आपका हर वो बिल पास हो जाएगा, बशर्ते वो फाइल पहुँचाने की कोशिश करें। मैंने खुद ने जाकर स्पेशली रवि भैया का करता हूँ, एक और भाई है उनका भी करता हूँ। तो मैं सबका सम्मान करता हूँ, और आज भी बड़े हैं मेरे लिए, कल भी बड़े रहेंगे, आजीवन बड़े रहेंगे, क्योंकि वो आपका संस्कार है। देखिए बात विवाद किससे नहीं होती है, बाप बेटा में तर्क नहीं होता है, होता है और वो जरूरी भी है। एक दूसरे की पहचान बताना, एक दूसरे की, आप अगर देखिए मेरे कहने का मतलब कि कल एक विधायक अगर कुछ बोल दे तो शायद लालू जी रिएक्ट ना करें, लेकिन जब नीतीश जी बोलेंगे तो लालू जी तो रिएक्ट करेंगे ना, क्योंकि उनके भी लोग हैं, लालू जी के अपना फैन फॉलोइंग है ना, अपनी जनता है ना, तो वो जरूरी है। कभी पक्ष विपक्ष में अगर आपको खड़ा किया जा रहा है और आपको कोई अपना नेता मान लिया है, अपना बेटा मान लिया है, और जब आप बोलेंगे ही नहीं तो फिर आपको नेता और बेटा क्यों मानेगा? आप उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्यों आपको मानेगा? वो नहीं मानेगा। तो दुनिया में बात विवाद चीज़ें होती रहती है और होना भी चाहिए, उससे रिजल्ट निकलता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये मायने नहीं रखता। आपके विचारधारा कितने बड़े हैं एक दूसरे के लिए, वो हमेशा सम्मान, मैं कितना भी कुछ बोल दूँ लेकिन सम्मान में किसी की कमी नहीं होगी। चाहे दिनेश भैया सामने आते हैं तो मैं भरे सभा में अपने पिता का पांव छूता हूँ तो पिता की तरह वो भी मेरे लिए हैं। रवि भैया भी हैं, मनोज जी भी हैं, वो किस पार्टी के हैं, वो कहाँ के हैं, वो किस जाति से, ये मायने नहीं रखता, वो मैं उनको सम्मान देता हूँ। जो एक दूसरा मेरा बड़ा भाई है उनको भी जिस दिन मिलेंगे पांव छूना मेरा कर्तव्य है, वो मेरा संस्कार है, वो मेरे फादर ने सिखाया है, मेरे संस्कार ने मुझे बताया है कि बेटा अपने से बड़ों का इज्जत करो, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, ये मायने नहीं रखता। ये पद और ये कद मुझे बाद में मिले हैं लेकिन मेरे अंदर संस्कार मुझे पहले डाला गया है, तो मेरा संस्कार इतना भी नीचे नहीं है कि मैं अपने बड़े भाइयों को भूल जाऊँ। और बोलना, आज सब आदमी प्रोफेशनली एक दूसरे का दुश्मन है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि आप नहीं बनाओगे तो आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाओगे, आप सो जाओगे। मैं अपने बड़ों को देख कर ही बड़ा हुआ, क्योंकि मुझे दिनेश लाल यादव के साथ खाना खाना था, मुझे रवि किशन जी के साथ खाना खाना था, मुझे मनोज तिवारी जी के साथ बैठकर खाना खाना था। तो मैं मेहनत किया और मैं उनके साथ बैठकर खाना भी खाया, डिनर भी किया, उनके साथ सफ़र भी किया। तो वो मेरा टारगेट था कि मैं इन सारे भाइयों के, मैं इनसे फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं, एक दिन ये बोले कि यार बेटा डिनर करना है, मैं उस सोच के साथ अपने जीवन को चलाता हूँ। और दुनिया में मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए, पूरी जनता के लिए बोल रहा हूँ, कोई काम मुश्किल नहीं है, खेसारी बहुत इजीली है। सिर्फ इसको पाने की क्षमता और वो ऊर्जा खेसारी को दिखनी चाहिए कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो भाई है, मेरा जो फैन है, वो मुझे कितनी मोहब्बत करता है। जितने भी लड़के खेसारी के लिए टैटू बना देते हैं उनके अंदर श्रद्धा होती है तो मैं कभी कभी शेयर कर भी देता हूँ, क्योंकि उनका वो प्यार मुझे दिखता है। कोई कोई लड़का है जो बाल कटवा लेता है खेसारी के पास, तो मैं भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि तो यार देखिए इसको कोई दुनिया की नहीं पड़ी है, खेसारी मेरे सर पे रहना चाहिए, तो मैं शेयर करता हूँ। जब मेरे लिए कोई करता है तो मुझे करना भी चाहिए, और हर आदमी का दायित्व तो बनता है कि अगर हम किसी के लिए करते हैं अगर वहाँ से आउटपुट नहीं मिलता है तो थोड़ी मन तकलीफ होती है। तो कोशिश करिए कि आपके बातों से, आपके चीज़ों से किसी को कोई तकलीफ ना हो, और जीवन में हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलिए। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये छोटे प्रोड्यूसर हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, कंपनी के मालिक हैं, ये बाद में होते हैं, पहले तो ये मेरे से बड़े पैदा ही हुए थे ना, ये तो बाद में अपनी मेहनत से इन्होंने कंपनी बनाई, ये बाद में डायरेक्टर बने, पहले तो ये पैदा मेरे से पहले हुए, तो बड़े भाई के रूप में ही पैदा हुए। तो
तो मुझे पहले उस पर फोकस करना चाहिए। आप सम्मान करते हुए आप झुकते रहिए, मुझे लगता है कि हजारों हाथ है आपको उठाकर अपने गोद में बैठाने के। मनी जी आपको देख के मनी वही मन मुस्कुरा रही है। मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड मतलब आपका वार्ड। अरे तो होने दीजिए ना, मैं तो वायरल 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 के लिए ही पैदा हुआ हूँ यार। कौन सेट है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी तो है हमारे जीवन में। देखिए मुझे लगता है कि मैंने अपने 99 गर्लफ्रेंड अपने जीवन में रखा, हर सिनेमा में एक नई गर्लफ्रेंड थी मेरी। तो हम फ्रेंड के हिसाब से काम नहीं करेंगे अगर हम इनके अंदर अपने पत्नी का छवि नहीं देखेंगे, इनके अंदर अपने गर्लफ्रेंड का छवि नहीं देखेंगे, तो हम इनको महसूस कैसे कर पाएंगे? सोचना ही तो एक्टिंग है। आप महसूस करते हो वही एक्टिंग होती है, एक्टिंग सीखता नहीं है कोई। बस हम अब इस भाई को अगर हम छोटा भाई मान लेंगे तो मुझे लगता है कि जो मोहब्बत अपने भाई से करता हूँ वही मोहब्बत इसको मिलेगी। अगर मैं इनको अपना बीवी ऑन स्क्रीन मान लिया तो मुझे लगता है कि मैं इनके साथ वही परफॉर्म कर पाऊंगा जो मैं अपने बीवी के साथ ट्रीट करता हूँ। खेसारी जी, बात की जाए फिल्म की, कब तक तैयार होगी और आगे का क्या प्लान है? मैंने आज शुरू भाई कल रिलीज हो गया इतना अच्छा अच्छा शब्द बोला हूँ। देख लीजिए मैंने आपको ब्रेक लिया नहीं, मैंने चैनल चलाना जरूरी है, आपको अच्छी बातें भेजना जरूरी नहीं है दुनिया में। ब्रेकिंग न्यूज क्यों करते हो यार? ब्रेकिंग न्यूज मत करो जीवन में, बता रहा हूँ। कभी कभी सच्चाई के राह पे भी चला, एक बार सच्ची घटना डाल दो कि सच्ची घटना है ये, देखो जरूर दुनिया सुनेगी यार सबके। अगर ये बताओ कि अगर मांस बिकता है तो क्या अगरबत्ती नहीं बिकता है? बिकता है ना, तो सुगंध भी बेचा करो, कभी खुशबू भी बेचा करो इस धरती पे, सिर्फ मटन के फेरन मत। नहीं, एक बार मटन डाल देंगे तो इस तरह भागेगा बहुत ज्यादा, ऐसा मत करो। कभी कभी आप लोग अगरबत्ती भी बेचने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग समाज के आईना हो। आपको दुनिया सर्च करती है, आपके यूट्यूब को दुनिया सर्च करती है, आपके हजारों करोड़ों में फॉलोअर हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि उस पर कभी कभी चीज़ें सिर्फ विवादित ही नहीं, और जितने भी लोग हैं मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि आपके एक हेडलाइन की वजह से भोजपुरी में विवाद हो जाता है, तो उस हेडलाइन को कोशिश करो आप सब कि उस ऐसे हेडलाइन मत डालो जिससे समाज को नुकसान हो। अपने सर्चिंग के चक्कर में, दो पैसे कमाने के चक्कर में निशाना। मनी जी बताइए आपका फिल्म का कैरेक्टर कैसे? मैं पहले ये बोलना चाहूँगी कि मेरा करियर का शुरुआत इस इंसान के हाथ पकड़ के हुआ था, बहुत लकी रहे मेरे लिए। जिला चंपारण में खेसारी जी में अभी सुबह एक कॉल आया था कॉन्ग्रेस बोलने के लिए, तो मैंने बोला हाँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि उनके साथ करीब ढाई साल बाद फिर मैं मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट भोजपुरी मूवी मेरा एक इंसान के साथ ही था, और ये जो कैरेक्टर यहाँ पे है बहुत डिसेंट कैरेक्टर है मेरा, बहुत अच्छा लगेगा प्ले करने। डिसेंट मतलब क्या होता है? डिसेंट मतलब बहुत सोबर। लेकिन बाकी सब का खराब कैरेक्टर रहता है? ना ना ना, मैं मेरे कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, बाकी का तो है ही अच्छा। आप मुझे और कोई सवाल? सर आपके इस समय होली गाने काफी धमाल मचा, उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो हमेशा चाहते आज मैं जब से धरती पे पैदा हुआ हूँ, जब से इस लाइन में, मुझे लगता है कि मैं बचता हूँ। अब बचता इसलिए हूँ क्योंकि मैं जगता हूँ, मैं सोता नहीं। मैं दो तीन दिन से ऐसे भी, मैं 10 दिन से डिस्टर्ब था तो नींद आ ही नहीं रही थी, तो काम ही कर रहा था। लेकिन बट जीवन में मुझे बहुत आगे जाना है, अभी मैं कुछ नहीं हूँ, अभी मैं जीरो हूँ, अभी मुझे हीरो बनना। अभी तो मैं करेक्टर प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये विचारधारा लेकर मैं आज भी चल रहा हूँ, और आने वाले समय में भी ये विचारधारा हमारे मन में रहे। मैं बस लोगों से ही प्रार्थना करूँगा कि आप भी अपने विचारधारा को बड़ा करिए और कुछ करने की क्षमता करिए। सिर्फ अपने परिवार के लिए जीना शुरू करिएगा तो शायद 5,000 की नौकरी में आपकी जीवन सिमट जाएगी। जब आप समाज के विचारधारा को अपनाइएगा तो मुझे लगता है कि आपका परिवार भी उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप हुए, और अपना देश भी बड़ा होगा, अपना राज्य भी बड़ा होगा। सर यह है कब करते हैं, लेकिन खेसारी जी से बहुत सारे सवाल रहते हैं हमारा, बहुत सारी है जी, क्योंकि मैं जवाब देता हूँ ना। सर आपको झूठी चीज़ों को आज सबूत के तौर पे दुनिया को बताकर और एक गलत आदमी को डिसीजन दे दिया जाता है। मैं कोर्ट का सम्मान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसको नीचा दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जो दिखने में कुछ और होता है और पीछे कुछ और होता है। उसी को आईना देकर हम इस कहानी को लेकर चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हम डाले हैं, चाहे वो दारू का मुद्दा हो, रेप का मुद्दा हो,
समाज का मुद्दा हो, सभ्यता का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, तो एक मुद्दे के साथ हम जीवन को नहीं चला सकते। जैसे हमें पैदा होने के बाद मुझे जिल्लत भी, मेरे पापा ने भी मुझे मारा है, समाज ने भी मुझे मारा है, मेरी माँ भी डांटी है। तो जब आपके जीवन को बड़ा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके मिडिल स्कूल भी होती है, कॉलेज भी होता है, बस भी होती है, साइकिल भी होती है, उसी तरह एक कहानी में हर करेक्टर होता है, उसी तरह कहानी में हर एक मोड़ होता है, उसी तरह जिस तरह बाकी भी कहानी है। अभी का ये इस जमाने का कहानी है। यस, इस जमाने की पूरा सुन लेंगे, इस जमाने की है। हम रामायण थोड़ी लिख रहे हैं, पूरा सुनेंगे स्टोरी। थैंक यू। वीडियो में अंदर फ्रेम आ रहा है, पीछे हो ना थोड़ा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.